हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ट्रांसफर पोजीशन, होल्डिंग और कुशन में क्या रिलेशन होता है। कई सारी पोजीशंस आ जाती हैं जहां पर आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, ट्रांसफर कहां से लग रहा है, होल्डिंग कहां से लग रहा है और कुशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम प्रोसेस करते हैं। आओ बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के लिए जो नए हैं प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह की कोई कंडीशंस है इंजेक्शन मोल्डिंग फेस में जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। शॉर्ट साइज है 100 mm, सक बैक दिया हुआ है 5 mm और पोजीशन जो पास की है, शॉर्ट साइज के जस्ट पास की पोजीशन है 50 mm, ट्रांसफर पोजीशन है 15 mm और कुशन बच रहा है 5 mm। अब बात आती है कि ये क्या है, ये पोजीशंस क्या है। तो हम एक फेस ले लेते हैं इंजेक्शन, जहां से इंजेक्शन होने के बाद जिसमें इंजेक्शन प्रेशर है, इंजेक्शन स्पीड है और इंजेक्शन टाइम है, ये इंजेक्शन फेस है। जब इंजेक्शन होने के बाद मटेरियल होल्डिंग फेस में जाता है या ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर पोजीशन। ये एक जो पोजीशन है ये इंजेक्शन और होल्डिंग फेस के बिल्कुल मिडिल की पोजीशन है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर पोजीशन। अब जब ये ट्रांसफर हो जाता है मटेरियल होल्डिंग फेस में तो क्या होता है, होल्डिंग लगना शुरू हो जाता है बचे हुए मटेरियल पर, यानी कि ये जो इंजेक्शन के बाद बचा हुआ मटेरियल है होल्डिंग फेस में उसमें हम होल्डिंग लगाते हैं, होल्डिंग लगना शुरू हो जाता है और जो बचा रहता है बाद में वो कुशन होता है। एक होल्डिंग लगने के बाद जो पोजीशन बचती है, मटेरियल फिल होने के बाद जो पोजीशन बचती है वो होती है कुशन। ये हो गया ट्रांसफर पोजीशन। और जो इंजेक्शन के बाद, जो इंजेक्शन होने के बाद कन्वर्ट होता है ट्रांसफर में वो होती है ट्रांसफर पोजीशन। अगर आप इस शॉर्ट साइज की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इंजेक्शन प्रेशर, अलग अलग स्पीड को कन्वर्ट करके पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कुशन को बचाना जरूरी है। क्योंकि कुशन ही अगर नहीं बचा होगा तो हम उस पर होल्डिंग कहां से लगाएंगे, होल्डिंग किस पे लगेगी, जो बचा हुआ मटेरियल है उसी पे तो लगेगी होल्डिंग। वो होल्डिंग के लिए हमें कुशन को बचाना जरूरी होता है, अदरवाइज होल्डिंग आप एक्स्ट्रा ना दें। तो कैसा लगा छोटा सा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच।